क्योंकि आलिया राजा के बच्चे की माँ बनने वाली है और इस हाल में घर वाले ना आलिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। और तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं था। कैसे कैसे बताता आसमा, कहाँ बताता? वहाँ ना हम दोनों के सर पर तलवार लग गई थी आसमा, और मेरे लिए ना मेरी फीफी तुम, तुमसे प्यार करता हूँ यार। मैं तुम्हें कुछ भी करके बस घर वापस लेके आना चाहता था। मैं भी था ना, क्या तुम्हें मेरी आंखों में कोई झूठ नजर आया था? आलिया के साथ मेरा फसलाने वाली बात मत कर। सच तो यही है आलिया तुम्हारी वाइफ और हम दोनों कुछ, सच यही कि तुमने मुझसे बातें छुपाई, मुझे झूठ बोल। फाइनली हुआ अरमान और आसमा का मिलन। क्या हो गए हैं दोनों एक बार फिर से एक। जिस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पर अरमान सही मौके पर आकर आसमा को बचा लेता है, यानी कि मुर्तजिम घेर लेता है आसमा को, क्योंकि आसमा ने बेगम साहिबा की गोली मारी होती है पैर पर। और यहाँ पर मुर्तजिम कहता है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी मासा के गोली मारने की? जिसके बाद आसमा को घेर लिया जाता है। सही मौके पर आसमा बच जाती है। आसमा, मेरी बात तो सुन। अगर तुम ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो हमारा रिश्ता कैसे जीतेगा? आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब अरमान और आसमा साथ में दिखाई दे रही हैं और आसमा अरमान को शुक्रिया कहती हुई नहीं थक रही है, क्योंकि यहाँ पर आसमा की कुछ ख्वाहिश थी, कुछ सपने थे जिन्हें अरमान ने पूरा कर दिया। एक तो अपनी फैमिली की ख्वाहिश थी और दूसरा था उसका वीर जारा वाली प्रेम कहानी। अब दोनों ही अरमान ने पूरे कर दिए हैं। ना जाने कैसे कैसे आसमा पाकिस्तान पहुंची और कैसे कैसे अरमान उसे लेकर आ गया। और यहीं पर अब अरमान और आसमा की जिंदगी में नई खुशखबरी आने वाली है, जो कि उनकी औलाद होने वाली है। आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जहां पर आलिया को पता लग चुका है कि आसमा जिंदा है, तो वहीं पर आसमा खुद आलिया को फोन करती है और इस बात की जानकारी देती है, जिसके बाद आलिया के तो तोते ही उड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब शो में नया ट्विस्ट आएगा। अरमान और आसमा की जिंदगी का नया राज क्या होगा, नई शुरुआत कैसी होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।